ये तो खाने वाले आराम के कांग्रेस जो थी कांग्रेस ने कराया जो भी सही करा। मंत्री का एरिया है मैडम। हाँ। तो हम इसको दिखाएंगे नहीं। हाँ। ये मंत्री का आदमी है कह रहा। हाँ। तुम ये जो दिखा रहा हो यार जो चीज है वो तो दिखाई जाएगी, सच्चाई नहीं। अबे 5 साल में किसी ने आके झांका नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जीत कर चले गए बस। जो कम भी आता था ना यहाँ पे डबल बिजली का बिल आ रहा और हम भर के आते हैं डबल डबल, बच्चे गिर जाते इसके अंदर। ये मैं हूँ अभी न्यू मुस्तफाबाद जनता कॉलोनी में और यहाँ पर जो तमाम आप ये पानी भरा हुआ गटर का देख रहे हैं जो सड़ रहा है और ये यहाँ पे कचरा का ढेर देख रहे हैं आप, कितना कचरे का ढेर ये सीवरों से अभी निकाला जा रहा है। यहाँ के जो लोग स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि भैया पैसा दे करके हम लोग ये निकलवाते हैं, यहाँ पर कोई MCD से कोई भी कार्य करने नहीं आता है ना ही वो करते हैं आके। अभी मैं आपको बता दूं कि चुनाव का माहौल है, MCD चुनाव है, हो सकता है ये लोगों को लगा दिया हो कचरे निकालने के लिए, लेकिन कचरे का ढेर तो निकाला जा रहा है सीवरों से। लेकिन आप ये पानी देखिए सीवर से निकलता हुआ, ये पानी कितना गंदा और सड़ रहा है, मुझे खुद यहाँ पर इतनी स्मेल आ रही है। यहाँ के स्थानीय लोग कैसे निकल रहे हैं और कैसे रह रहे हैं ये रोज ये बर्दाश्त करते होंगे। आप देख सकते हैं ये न्यू मुस्तफाबाद जनता कॉलोनी का मैं नज़ारा दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ पर किस तरह की का हालात है। ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है, आधी आधी पहिए इसके डूबे हुए हैं, वहाँ से लोग देखिए कैसे ईंटों पे पैर रख रख के जा रहे हैं, रिक्शा आधा आधा डूब रहा है। तो ये तमाम समस्या यहाँ पर ये देखिए MCD में 15 साल से किसकी सरकार है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या विकास हुआ है। सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार का ये विकास आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे खुद खड़े होने में इतनी समस्या हो रही है, इस पानी में इतनी स्मेल आ रही है। यहाँ के स्थानीय लोग सोचिए रोज ही ये इसको इससे जूझते हैं और रोज ही इससे निकलते हैं और इसमें से ही इनको जाना पड़ता है। तो ये तमाम लोग यहाँ की समस्याएं बता रहे हैं। मैं आगे बढ़ते हुए भी जा रही हूँ, इसी पानी में पैर रखते हुए मैं जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हालात यहाँ के किस तरीके के हालात हैं और ये दावेवादों पर खोखली उतरती हुई सरकार अपने विकास को कैसे दिखा रही है। ये विकास है, आगे तक ये पानी यहीं तक सीमित नहीं है, ये कचरा निकला हुआ है। ये तमाम लोग जो अंदर से आ रहे हैं आप देख सकते हैं अंदर ये घर मकान बने हुए हैं, तो ये सामने से निकल के आ रहे हैं, ये कचरा कचरा है। और ये देखो ईंटों पे ये देखिए गटर, ये सीवर है, सीवर पूरा फुल भरा हुआ है, उससे पानी बह रहा है और इस पे से ही पैर रख रख कर ये तमाम जनता जो है यहाँ से जाती है और गुजरती है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मैं हालात बता रही हूँ और ये पानी का रिसाव यही ख़त्म नहीं हो रहा है, ये पानी का रिसाव जा रहा है पता नहीं कहाँ तक। आपको मैं दिखा दूँ, आप देखिए कैमरामैन से कहूँगी कि ज़रा दूर तक नज़ारा दिखाएं कि ये पानी कहाँ तक ज़्यादा है रिसता हुआ। ये तमाम नज़ारा है न्यू मुस्तफाबाद की जनता कॉलोनी का, जहाँ पर दावे वादे करते हुए MCD आज वोट मांगने की कोशिश कर रही है और ये है उसका विकास। ये विकास आप देख सकते हैं कि विकास के नाम पर किस तरीके से वोट को ले लिया जाता है, लेकिन जो जितने भी दावे वादे करने वाली सरकारें हैं अपने कामों को भूल जाती हैं। और ये तमाम जनता जो निकलती हुई आ रही है मैं इन्हीं से अभी जानती हूँ। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद इमरान। यही रहते हैं जी? कितने टाइम से रह रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो ये जो अभी ये खूबसूरत नज़ारा अभी मैं दिखा रही हूँ जो सीवर का बहता हुआ पानी, हाँ खूबसूरत नज़ारा ही है ना, सरकार कहती है कि भैया काम कर रही है। हाँ नज़ारा दिख रहा है। हाँ तो ये कैसे कब से है ये मामला? ये तो काफी टाइम से है जी, तकरीबन 1-1.5 साल हो गए जब से रोड बना है ना। जब से ज्यादा दिक्कत हो रही है कि पहले रोड ऊंचा था अब ये नीचा हो गया और नाला पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। हाँ। तो जब से ज्यादा दिक्कत आ रही है, पानी निकल जाता बाहर। तो कैसे सरवाइव करते हैं आप लोग यहाँ से निकलने विकलने के लिए? रख तो रखी ईंटें हमने, ईंटों से निकलते हैं और वाहन वगैरह गाड़ी वगैरह बाइक निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? कोई कोई गिर जाता है, कोई निकाल लेता है और ये बच्चे बच्चे भी निकलते हैं और अंदर में अंदर आप देख दिखाइए जरा कैमरामैन को बोलूंगी, वो नाला देखिए फुल्लम फुल भरा हुआ है और वहीं से वो पट्टियां हैं घर के सामने ही, ये फुल नाला भरता हुआ और कचरा है पट्टी है यहाँ पे। तो ये यहाँ के हालात है। निगम पार्षद आए हैं यहाँ कभी? निगम पार्षद तो नहीं आते जी, निगम पार्षद ये कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, हमारे अंडर में नाली है और ये PWD के अंडर में आता है, गोपाल राय के अंडर में आता है। तो गोपाल राय जी तो वैसे नहीं आएंगे, वो उनके तो मैंने सुना MLA है। MLA उनके अंडर में आते हुए तो ये काम क्यों नहीं हो रहा है, आपने कभी जानने और पूछने की कोशिश की? ये कहते हैं कि ये जो पब्लिक है ना ये वोट वाली पब्लिक है, ये वोट देगी बस, वो इसकी परेशानी हल नहीं करते वो।
परेशानी हल नहीं करते, तो आप लोग वोट क्यों दे देते हैं फिर? नहीं तो ऐसे वोट का अधिकार, वोट तो देनी पड़ेगी ना 15 साल से, नहीं वोट तो देनी पड़ेगी, लेकिन आप ये नहीं पूछते कि ये काम कब होगा? 1.5 साल से आप लोग शायद जूझ रहे हैं। हम अभी जाएंगे, अभी बोल देंगे कि अभी ये करा देंगे, कल करा देंगे, परसों करा देंगे। अभी तमाम पार्टियां आ रही हैं, चुनावी जनसभा जुड़ रही है, अभी आम आदमी पार्टी की सभा जुड़ेगी, कांग्रेस पार्टी घूम ही रहे हैं, तो आप ये पूछते नहीं है, इनसे सवाल नहीं करते हैं क्या? सवाल तो रोज डेली करते हैं उनसे। अब भी मैं सवाल 10 बजे भी मैं वहाँ पे गया था, ये वहाँ PWD के, मैं फोन में नंबर बताऊँ उनका, क्या नाम था उनका, उन्होंने ये कह दिया मुझसे कि कल को गाड़ी आएगी। बताइए, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए मुझे कि जो आम आदमी पार्टी है और BJP दोनों में आपसी टक्कर है, एकदम आपस की टक्कर में? आपसी टक्कर नहीं है जी, अब तो यहाँ बस कांग्रेस का माहौल बना हुआ, कांग्रेस इंशाल्लाह कांग्रेस जीतेगी, बस कांग्रेस ही है इसलिए बोल रहे हैं या फिर? कांग्रेस ही नहीं है, पहले तो हमने झाड़ू को वोट दी थी, झाड़ू को दी थी, अब नहीं देंगे, मगर अब नहीं देंगे। इतनी नाराजगी है, गुस्सा है, क्यों? पानी की वजह से, पानी की वजह से, पानी पीने का पानी या फिर ये पानी? पीने का पानी भी गंदा आता है, पीने का पानी क्यों? नाला भरा रहेगा, नाले के अंदर से पाइप है, कोई लीकेज भी पाइप होता वो टंकी में फिर पानी गंदा आता है, तो उससे बीमारी होती है। MCD में तो BJP की सरकार है ना, तो MCD में BJP की सरकार, तो बिना BJP करा रही ना, तो आम आदमी पार्टी करे, कोई भी नहीं करा रही। पानी से क्या कनेक्शन, क्योंकि MCD में तो उसकी सरकार है, तो फिर नहीं जी आम आदमी, सुनो आपसी कुछ, आपसी है कुछ गुस्सा? नहीं आपसी गुस्सा दोनों से ही है, दोनों से ही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो, आम आदमी पार्टी तो पानी में से निकलो, आम आदमी पार्टी तो स्कूल का मॉडल बता रही है, मोहल्ला क्लिनिक बता रही है, बसेस करी हैं भैया, इतने सारे मॉडल बता रही है वो अपने, तो फिर गलती कहाँ हो रही है वो आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी से गलती ये हो रही है जी, देखो ऐसे ये करें कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना, बंद पड़ा मोहल्ला क्लिनिक, अब उसमें जब पानी भरा रहेगा तो कौन जाएगा मोहल्ला क्लिनिक में? पानी भरा हुआ है मोहल्ला क्लिनिक, और क्या नहीं, जब सारे रोड पे पानी भरा हुआ, यहाँ तो गरीबों को निकाला जा रहा है। क्या नाम है आपका? समीर है। यही रहते हैं? कब से रह रहे हैं? मेरे को बचपन यही हो गया। तो अभी ये जो हालात है, मैंने अभी इनसे भी पूछा, तो ये जब वोट मांगने आते हैं तो उन लोगों से आप पूछते नहीं है कि ये कब होगा या कैसे होगा? मतलब तो यही होता है कि आजकल करवा देंगे, तो करवाते कौन सा, कोई सा भी नहीं करवाता। तो इस बार मोहर किस पे लगेगी? कांग्रेस पे ही है। कांग्रेस पे लगेगी, क्यों? ये तो एक हराम के खाने वाले हैं। अच्छा दावे वादे तो तीनों चारों सरकारें हर तरीके की सरकार, आपको एक बात बताऊंगी, ये तो खाने वाले आराम के, कांग्रेस जो थी कांग्रेस ने करा है, जो भी सही करा पहले कांग्रेस ने करा, बस ये जो बनवाया इन्होंने अस्पताल, क्या है झुग्गे और तुड़वा दी, गरीबों को घरों जुड़वा दिए, क्यों? इनमें एक कैप्सूल मिलता कुछ भी नहीं मिलता, वो नाम के लिए बनवा रखा। तो अभी जो मोहर है वो आप बता रहे कांग्रेस की तरफ लगेगी? कांग्रेस की तरफ है बस। हाँ। तो उसने तो अभी वो दावेवादों में अगर फेल सब सारी सरकारें होती हैं, और फिर से अभी आप कांग्रेस की तरफ बोल रहे, कांग्रेस की तरफ वैसे बोल रहे, कांग्रेस ही है क्या? हाँ भाई कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही है इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा कांग्रेस ही इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन अपना कोई व्यू नहीं है कि मतलब ये सब हो रहा है और ये सब है। ये देखिए आपसी लड़ाई यहीं पर शुरू हो चुकी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस वालों ने भैया आम आदमी पार्टी वालों को दिखाया कि ये देखिए क्या हालात है, तो वहां पर ही शायद बता रहे हैं कि कुछ इनमें आपसी बहस हो गई है। तो ये हालात है यहाँ के, और तमाम जनता जो है यहाँ इन हालातों से जूझ रही है, और आपको मैं बता दूँ कि ये लोग यहाँ पर स्थानीय लोग काफ़ी सालों से नहीं, यहाँ पे इनकी पैदाइशी यहाँ की है, तो ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये यहाँ पे जो ये मामला हो रहा है आप देख सकते हैं क्या कुछ हो गया है यहाँ पर। मंत्री का एरिया है मैडम, तो हम इसको दिखाएंगे नहीं? ये मंत्री का आदमी है, कह रहा तुम ये जो दिखा रहे हो यार, जो चीज है वो तो दिखाई जाएगी, सच्चाई नहीं पता है। अच्छा ये बोल रहे कि ये क्यों दिखा दे, क्यों बताओ? ये इतने लोग बैठे हैं, किसी से ही पता कर लो, ये नहीं कहा है, जो PWD के हमारे कर्मचारी आ रखे हैं उन्हें ये काम नहीं करने दे रहे, उनमें काम वो इधर आओ, इधर आओ, हाँ उन्हें देखो, उन्हें भगा रहे हैं। ये है ना, यहाँ पर कांग्रेस के भी है और आम आदमी पार्टी के आपसी बहस ही हो गई है, सोचिए। यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको, ये PWD से हैं, ये नाला साफ करने आए हैं। हाँ। तो इनके साथ कैसा व्यवहार किया, मैं तो बाद में आया हूँ, इनसे पता करो। ये लोग तो कह रहे हैं पैसे देके करवाते हैं यहाँ पर सीवर साहब, ये पूछो ना इनसे, पूछो ये कौन? अभी चुनाव के टाइम में आपको भी शायद लगा दिया, इससे पहले नहीं 4 दिन पहले भी साफ हुआ ये नाला, तो अभी चुनाव का टाइम है ना, 4 दिन पहले की इनसे पता करो।
अरे आप चार दिन पहले की बता रहे हैं, लेकिन चुनाव का टाइम तो अभी शुरू हो चुका है एमसीडी का, तभी चार दिन आए हैं या इससे पहले भी आए? इससे पहले भी होता रहा है, ये है ना, इससे पहले भी आए हैं क्या? पहले भी होता रहा है, जनता है ना आप लोग। इससे पहले हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा है। अभी चार दिन पहले जब गाड़ी आई थी, छह दिन पहले पानी भरा हुआ था, छह दिन पानी भरने के बाद में चार दिन पहले गाड़ी आई, थोड़ा बहुत पानी खींचा, उसके बाद फिर वही कंडीशन है। यहाँ पे पानी, यहाँ पे हमने सब देख लिया, हम किसी पार्टी से नहीं है, नॉर्मल इंसान भी हम यही रहते हैं, हम डेली भुगतते हैं ऐसी मुसीबतें। यहाँ पे पांच साल में किसी ने आके झांका नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जीत कर चले गए बस। ये लोग तो बोल रहे हैं, ये लोग तो बोल रहे हैं चार दिन पहले झाड़ू वाला हो, कोई भी हो, या बीजेपी हो, जो यहाँ काम करेगा ना उसी का नाम होगा, जो नहीं करेगा उसका नाम नहीं होगा किसी भी चीज में। यहाँ पे गंदे नाले, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मर रहे बीमारियों से, झाड़ू अपने हाथ। ये लोग बोल रहे हैं तो आप लोग ईंटे लगा कर एक आज एक बात बताया, पांच साल में वो आया एक भी बार आया यहाँ पे? कौन नहीं आया? गोपाल राय जी यहाँ पर आए एक भी बार? राय जी थोड़ी है यहाँ का, कौन सा कोई भी है? हमें नहीं, हमें तो आज तक यही नहीं पता है कौन, जब यहाँ पर आओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। एक बार तो हमारे सामने, हमसे आकर मिलो ना। नहीं आया कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है पीछे बताइए? सचिन शर्मा, सचिन शर्मा। हाँ। जो बीजेपी से है? बीजेपी से। यहाँ कोई नहीं आया, आपके पीछे खड़े हैं, आप इनसे पूछे, आप इनसे पूछे कौन आया। चचा क्या नाम है आपका? अलियासन। तो कितने टाइम से रह रहे हैं चचा यहाँ? मुझे 42 साल हो लिया जी। 42 साल हो गए? हाँ। तो आप तो काफी अच्छे से बता सकते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं, आपसी बहस हो गई, आम आदमी पार्टी भी मौजूद है, कांग्रेस के लोग भी, कार्यकर्ता भी मौजूद है। अच्छा, ये आम जनता भी है, आम जनता भी है। अच्छा, यहाँ पे ये जो सीवर का हालात है, ये अभी कुछ टाइम से हुए है या फिर बहुत टाइम से है? हाँ तो कुछ पहले से, पर अब ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा हो रहा है? अब ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? कुछ इन्हीं की कारस्तानी है और किसकी है? कारस्तानी। हाँ, अभी तक 5 साल में कुछ देख। किन की कारस्तानी है? हाँ जी, किन की कारस्तानी है? यू आम पार्टी की, बीजेपी की तो होगी इनके, और तीसरे किसी के, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है यहाँ। हाँ जी, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा, ये सफाई जो नाले और सीवरों की, सीवरों में से जो कचरा निकल रहा है, ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आम आदमी पार्टी से हैं, ये बता रहे हैं कि भैया होती रही है यहाँ पे सफाई, होती है, कचरा निकाला जाता है? कोई कोई ढंग से कुछ नहीं होता यहाँ, कुछ नहीं होता सही। यहाँ चार दिन पहले भी हुआ है? चार दिन पहले हुआ, थोड़ी 4 मीटर में काट के बाकी खा लिया। फिर चार दिन पहले हुआ है, लेकिन अभी मैंने बोला ना एमसीडी, मैंने कहा था एमसीडी चुनाव है, इसलिए चार दिन पहले तभी हुआ। नहीं मैडम, यहाँ अच्छा चचा ये बता, ये अभी बोल रहे चार दिन पहले हुआ, अभी एमसीडी चुनाव भी है, इसलिए हो गया क्या चार दिन पहले? इस दिन पहले भी हुआ है? इससे पहले हुआ है सफाई? उससे पहले कभी आ गए कभी ना आए, जागरी का टाइम हो गया, नारा साहब से और निभा के बाद में नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ अभी आप क्या बोलना चाह रहे हैं आप बताइए। मेरा काम, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ बीजेपी जो है, आज तक किसी से भी यहाँ किसी गली में झाड़ू नहीं लगाई, ना कोई नालियाँ साफ हुई हैं। अभी तक जो दिल्ली सरकार के काम है, यहाँ लाइटें हैं, बिजली फ्री है, पूरा इलाका साफ कर रखा है, लाइट भी फ्री मिलती है लोगों को, और हर खम्भे पर लाइट लगी हुई है सर, ठीक है, लाइट भी फ्री मिल रही है, जो दिल्ली सरकार के काम है वो हो रहे हैं, लेकिन काउंसलर यहाँ उसका था बीजेपी का, इसलिए नाली साफ नहीं हुई। अभी आप देख लो नालियाँ सारी भरी हुई हैं, जब नाली खुलेंगी तभी तो समाधान होगा। अब ये कह रहे हैं, सुनो, लोगों का ये भी कहना है कि लोग झाड़ू नहीं, ये बात सही है, वो गली में झाड़ू नहीं आया ही नहीं आज तक यहाँ पे, आज तक नहीं आया पार्षद। हाँ जी, यहाँ झाँक के ही नहीं देगा उसने। अच्छा अच्छा, ये जो अभी बिजली पानी भी बताया जा रहा है, भैया मॉडल तो बताया ही जा रहा है, केजरीवाल जी का मॉडल है, वो भी बिजली पानी फ्री मिल रहा है ना, ये तो फ्री मिल रहा, यहाँ पे डबल बिजली का बिल आ रहा है, जो कम भी आता था ना यहाँ पे डबल बिजली का बिल आ रहा है, और हम भर के आते हैं डबल, यहाँ जो 500 का आता था ना यहाँ पे 5-5 हजार के आ रहे, गरीब इंसान कैसे देगा 5-5 हजार के बिल, और कौन सा पानी फ्री है? जीरो बोला जा रहा है, जो 200 यूनिट फ्री बोला तो कुछ नहीं आ रहा, पूछो आपके तो सामने मौजूद खड़े, 200 यूनिट फ्री नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, सब बंद कर चुके हैं 6 महीने पहले। 200 यूनिट फ्री बताया जा रहा है मिल रहे हैं, लेकिन 200 यूनिट मेरे पूरे यूज नहीं हुआ, 5700 रुपए का बिल है, और अभी घर पे है नहीं मैडम। आप हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसी। यही कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे मैम बहुत टाइम से, जब से कॉलोनी बसी है। बिजली का बिल आपका कितना है? 2700 रुपए। 2700 रुपए बिजली का बिल आया? सच्चा यार, जाकिर के टाइम में काम हुआ है यहाँ पे। किसके टाइम में? कांग्रेस के टाइम पर सबने काम करवाया, जो जाकिर यहाँ पर था उसने सब कुछ काम करवाया यहाँ पे, और ये बसाई हुई जनता कॉलोनी कांग्रेस की है।
मोहल्ला में ताला लगा रहता है, वहाँ दवाई लेने जाओ तो ताला लगा मिलता है, जाना पड़ता है हमें घर मिल रही है। न्यू जाफराबाद ये मोहल्ला क्लिनिक बंद है, हमारी तरफ ताला लग रहा है, इस समय कितना टाइम हो गया ताला लगे हुए, बताओ कहाँ जाए हम लोग, कब से ताला लगा हुआ है? कम से कम 5 महीने होगा पूरे, 5 महीने। हाँ आप देखो, आप जा सकते हो, ताले लग रहे हैं, और वहाँ पे पूछो तो सब कुछ दिखाया, उसके बावजूद आगे भी दिखा सकते हैं हम सब कुछ, हम ना सुनिए, दिखाया है मैंने, नाला लगवाते हैं अपनी गली में तो हम खुद पैसे देते हैं, हम नाली सफा करवाते हैं खुद पैसे देते हैं, सफाई करवा रहे हैं, कुछ सफाई नहीं होती, आज दिखावे के लिए आज गोपाल राय जी आ रहे हैं, सब कुछ सब मिलने आ रहे हैं आज वोट मांगने के लिए, सबको बोल रही हूँ मैं, एक को नहीं सबको, सब आज मांगेंगे हाथ जोड़ के, उसके बाद में हम लगा के चले जाएंगे, कोई नहीं है, कोई नहीं आता मैडम लेके जाएंगे, हमें पता हम पे गुजरती है तो हम जानते हैं, हम ये भुगतते हैं, हमारे घरों के बच्चे बीमार होते हैं, तो इस बार किसकी तरफ जाएंगे आप लोग? हाथ सोचा और वहीं तक जाएंगे बस, और वो ही आनी चाहिए, कांग्रेस ही है इसलिए तो नहीं बोल रहे, नहीं 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 नहीं, अरे हम कहाँ कांग्रेस ही नहीं है, हम आम जनता है, कांग्रेस ही नहीं, कोई हम किसी की तरफ से नहीं है, हम आम जनता है। ये जो नाला है ये PWD का है, जो विधायक जी के अंडर में आता है, इसकी हालत ये देखिए, लोगों के घरों में पानी भर रहा है, देखिए आपने, यहाँ पे कूड़ा निकाल लेंगे तो महीनों तक पड़ा रहता है, वो कूड़ा फिर वापस उसके अंदर घुस जाता है, बच्चे गिर जाते हैं इसके अंदर, अगर एक फीट अगर खुदाई करेंगे ना, एक फीट तो घरों के अंदर पानी भरा हुआ है नाले का, वो कहते हैं जी पानी फ्री देंगे। सरकारी स्कूलों के हालात क्या है? सरकारी स्कूलों की एक मिनट, सरकारी स्कूलों की मैं आपको बताता हूँ, मेरे 2 बच्चे भारत इसमें गांधी मॉडल स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, GT रोड पे, आज आप जाकर देखेंगे ना, उस बिल्डिंग की हालत ये हुई हुई है कि कभी भी गिर सकती है, और 4000 बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल के अंदर, और जब जरा 2 बूंद पानी भी आ जाएगा ना तो वहाँ रोड पे इतना नाला सा भर जाता है, बच्चों को निकलने में परेशानी होती है। अच्छा, नगर निगम के स्कूल भी है यहाँ पे, नगर निगम उसके हालात कैसे है? स्कूल तो बढ़िया ठीक है, टनाटन है, हमारे यहाँ पे पहले निगम पार्षद जाकिर खान रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने बनवाया, बहुत बढ़िया है स्कूल है, वो बहुत बढ़िया स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होती है, यानी MCD में तो 15 साल से तो BJP की सरकार है, तो MCD में कोई प्रॉब्लम नहीं है, MCD की ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे विधायक महोदय हैं हमारे गोपाल राय जी, वो हाँ सुनिए तो, लेकिन काम तो उन्होंने भी कराने ना विधायक जी ने, ये नाला तो विधायक जी ने कराना, MCD में बढ़िया है आप बता रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है MCD में? दिक्कत हमें MCD अपने दावे वादे तो फिर कर ही रही है, वो अच्छा काम कर रही है। यहाँ जो मैन जो बात है ना मैडम, देखो हमें पानी की प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा मैं यहाँ देख रही हूँ कि खफा है आप लोग झाड़ू से, क्यों बहुत ज्यादा खफा है, काम नहीं कर रहे हैं, जब काम नहीं करेंगे ऊपर सब वादे कर करके यहाँ से चले गए कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, BJP 8 साल से विधवाओं की बुजुर्गों की पेंशन नहीं बंधी है, 5-5, 6-6 महीने हो जाते हैं, राशन तो फ्री मिल रहा है, राशन ही मिल रहा, बंद हो गया बंद, केजरीवाल द्वारा राशन फ्री मिल रहा है, अभी भी 2 महीने मिला था उसके बाद मिल रहा है, राशन मिल रहा है, 2 महीने मिल रहा है वो मिल रहा है, बाकी हमारी बच्ची की भी पेंशन नहीं आ रही, कितना किलो? 5 किलो राशन मिल रहा है, हाँ एक जने का 5 किलो, 1 किलो चावल है और 4 किलो गेहूँ है जी, राशन जो है ना, जो राशन बांटने वाले हैं, जो यहाँ पे राशन बांटते हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, और पूरे महीने राशन की दुकानें बंद रहती हैं, 1 दिन या 2 दिन दुकानें खोलेंगे उसके बाद खत्म, अभी जो यहाँ पर यहाँ जनता के 2 राशन की दुकान है, एक यहाँ पर एक इधर है, दोनों जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और अगर उनको कोई शिकायत करो ना तो कहें जाओ जिससे करना करा लो, क्योंकि जो हमारे यहाँ के विधायक हैं वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो वो कहते हैं वो उनके चमचे हैं, वो कहते हैं जी हमारा कुछ नहीं बिगड़ने का, तुम झामड़ चले जाओ, और तो उसे उल्टा सीधा बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं, राशन तो BJP भी फ्री दे रही है, कोई फ्री नहीं दे रहा, बस 2 महीने बात फ्री तो जब मिलेगा जब वो देने वाले देंगे, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आम आदमी पार्टी के, वो उनके कार्यकर्ता हैं, वो तो आने से ज्यादा क्या बता रहे हैं, आने से पहले बिक जाता है, आधे से ज्यादा दुकान से बेच देते हैं, वो ब्लैक कर देते हैं, वैसे ब्लैक हो जाता है, वैसे ही तो देखिए तमाम समस्याएं हैं यहाँ पर, मैं आपको मौजूदा हालात दिखा रही हूँ कि यहाँ पर महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, और यहाँ पर जवान भी हैं, नौजवान भी हैं, स्कूलों के भी हालात मैंने पूछे, यहाँ सीवरों के हालात भी दिखाए आपको मैंने, नाले भी दिखाए, और तमाम लोगों की जो राय है वो भी बताई कि यहाँ की सड़कें कैसी हैं, और ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे, ये आप पढ़ते हो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? गांधी मेमोरियल में। गांधी मेमोरियल सरकारी स्कूल कैसा है? सरकारी है। कैसा है वहाँ पर पढ़ने का, टीचर वगैरह आती है? हाँ आती है। तो पढ़ाई वढ़ाई का सब कुछ अच्छा है वहाँ पे जी? तो
ये कुछ बच्चे हैं जो उनसे मैंने बात भी करी और तमाम लोगों से भी पूछा कि भैया यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक के हालात कैसे हैं। 15 साल से बीजेपी की एमसीडी में सरकार है लेकिन निगम पार्षद जो है वो सिर्फ वोट लेकर के शायद सो गए हैं, वो यहाँ के हालात जानने भी नहीं आए हैं। तो यहाँ तमाम लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ पर दावे वादे कर रहे हैं और जो अब की बार वोट जाने की बात कर रहे हैं। भैया बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ये बस्ती बसाई गई भी है कांग्रेस पार्टी द्वारा बसाई गई है और अब वोट भी शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ ही जाएगा क्योंकि अब वही आनी चाहिए। कांग्रेस ने साथ दिया, इतना किसी ने नहीं दिया, उस पार्टी ने ना आकर भी साथ दिया है हर चीज में। तो अब यहाँ पर जो मोहर लगेगी शायद पंजे की लगेगी। ये लोग तमाम लोग जो है ये जनता है, मैंने आपको सीधा सीधा इनसे रूबरू कराया और यहाँ के हालातों से भी रूबरू कराया कि यहाँ के हालात क्या हैं। बहुत खस्ता हाल है यहाँ पर, सीवर जो है पानी आप देख सकते थे कि कैसे लोग निकल रहे थे उस पानी में पैर रख रख के और सड़ रहा है पानी बकायदा और कचरा जो है आज अभी निकाला जा रहा है और कुछ लोग बता रहे हैं स्थानीय लोग कि पैसा देकर भी कचरा निकाला जाता है। तो ये तमाम हालात हैं न्यू मुस्तफाबाद की जनता कॉलोनी के और यहाँ पर अभी जनसभा भी शायद जुड़ने वाली है लेकिन अभी मैंने हालात दिखाए हैं और जनता से रूबरू कराया है। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, न्यू मुस्तफाबाद, दिल्ली।